हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार काफ़ी अर्से से मैंने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, आज हम एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने कहा उसके कुछ बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ, और जब वीडियो आएगी तो उसको भी मैं अनाउंस कर दूंगा, यहीं पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना उसको भी। अभी आपको थोड़े से यहाँ पे हमारे शूटिंग के लिए, वो लड़के शूटिंग तो कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त अहमद हम लोग ब्लॉग की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलाता हूँ लड़कों से, लड़कों से मिलाने के बाद कुछ बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करेंगे, और जब हमारी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होगी तो उसको लाजमी देखना, लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। यार जो सीधी सी बात है, मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता, मतलब मैं आया हूँ कल परसों, मुझे मैसेज आया इसी का, कहता बाहर काम है, मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं क्या काम होगा, कहता आप मूवी बना रहे हैं तो ये भी रोल लेंगे, मैं कहा रोल ना देना, मुझे कैमरा पकड़ा देना, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन कहते हैं नहीं तुझे विलन बनाएंगे, कल पूछता कि विलन बनना ही तो, मैं जो बना दे, कहते विलन बनाएंगे। अभी मैं इनकी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, बाद में मेरा कोई सीन आएगा शायद। ये क्या करो जी, ब्यूटी सैलून में नीचे विलन तैयार हो रहे हैं, क्या तैयार हो रहा है? ये विलन, विलन तैयार नहीं, ये हीरो का विलन है, हीरो का विलन तैयार हो रहा है। हीरो को गर्मी लाग रही थी इसलिए जरा मास्क बनाया, मुंह जल ना जाए। पहले हम अकेले अकेले फिल्म बना रहे थे, अभी हमारी ऑडियंस भी आ गई है, ये वाली 1 2 3 काफी सारे बंदों के साथ। मैं आपको अपना सेट दिखाता हूँ, बल्कि अहसन भाई हमें अपना सेट दिखाओ, ये चेक करें गाइस, आओ हमें सेट दिखाओ पूरा कि हम किधर शूट कर रहे हैं, लोगों को बताओ। गाइस हमारा मशहूर बाड़ा है इधर, इधर आपको 100% प्योर दूध मिलेगा, पेट प्रमोशन ये मारते भी यहीं, बच्चे भी आ गए, ये गुजर ब्रांड है, चेक करें सारा इधर। इधर का सीन ये 7 कमरे हैं, लेकिन उधर हम नहीं कर रहे, हम लोग बाहर, ये काफी सारा प्लाट है यहाँ पे कर रहे हैं, इधर उन्होंने मवेशी रखे हुए, इधर वो अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ से कुछ करना हो तो सारा फ्रेश दूध मिलेगा, और तो दूध की पब्लिसिटी बंद कर दे, हमारा व्लॉग बना दे। ये देखे हमारी पब्लिक कैसे शूटिंग हो रही है, क्या बात चल रहा। ओ ना साना था, राउंड 2 आना। यार 10 मिनट वहाँ पे खड़े हो, हमने शॉट लिया, वो शॉट नहीं आया, वापस आ गया, हम दूसरा शॉट ले रहे हैं। इस मूवी का इशू ये है कि एक्टिंग हमें से किसी को नहीं आती, बस हमने कहा बनानी है तो हम बना रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं, दोबारा वापस जा रहे हैं उधर से, दोबारा सीन लेंगे। बिलाल भाई की टेक हो रही है, ये क्या बदमाश पिंडी का, ये पकड़ लिया जी, ओके ओके ले मेरे संगी, सीन मुका के चेक करते हुए सही हो गया जी, आदि भाई आओ आपको पकड़ेगा। यार एक बंदा मैंने किडनैप कर लिया, दूसरे को तैयार कर रहे हैं किडनैप करने के लिए, अभी मैंने सिंपल यहाँ से जाना है और उसको पकड़ के जिस तरह उसको अंदर लेके आया ना, इसको भी कहीं ना कहीं लेके चले जाना है। किसकी एंट्री आ गई है, चल यार सीन ले छोड़ जल्दी कर, चल यार शॉट, चल अहमद तारी होगी, आ जा आ जा अहमद, क्या कर रहा है ना यार अहमद, देखो इंट्रो का सीन है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर कैमरा लगा हुआ देख रहा हूँ, के पीछे आ गया, आज आ जा कोई बात नहीं अहमद भाई, कोई बात नहीं, कुछ कहना चाहेंगे बाहर जाने से पहले? नहीं यार कुछ नहीं, जाओ शुक्र। यार इतनी सख्त धूप है, रोजा लग रहा है, और इनके ये शूट नहीं खत्म हो रहे, मेरे भी कोई एक दो शूट कराए हैं, वो मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ है, लेकिन मैं पीछे बस खड़ा हुआ था यहाँ पे, वही हो रहा है, और वहाँ पे वो भी डिसाइड कर रहे हैं क्या शूट है, कह रहे हैं मेरा बाद में है कुछ। यार बात वो है कि मैंने शुरू में सोचा था एक्टिंग नहीं करूँगा, लेकिन करनी पड़ रही है, धूप में हमें सेक रहे हैं मैं भी यही कह रहा हूँ, इंस्पायर्ड होके जैसे ही हो जाएंगे, चेक करें फुल रिजेम्बलेंस हो जाएगी। डी तेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी, दोबारा बोल, यही से और डी तेरी मान जा, तू बोल, तू क्यों बोलूंगा, तू सारा वीडियो, डी तेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, तू ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता है। ओके यार ऑडियंस इतनी ज्यादा हो गया कि हमें शूटिंग का जगह भी नहीं मिल रही, अभी वहाँ पे एक किला रह गया, वहाँ पे बांध देंगे बस, हमारी होगी, आ जा जल्दी कर, 1 2 3 स्टार्ट, खिलजी नहीं है, खिलजी नहीं है, तो यार यहाँ पे दानी भाई से हम पूछते हैं, ये हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ राइटर भी यही हैं, तो दानियाल भाई हमें बताएं ये मूवी किस मतलब किस बारे में है? यार ये मूवी है पाकिस्तान के बारे में, मतलब एक पेट्रियोटिक फिल्म है, ठीक है, अब ये आएगी ईद के फर्स्ट डे पे, और पार्ट टू आएगा सेकंड डे पे। मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम है एजेंट डी, ये मतलब यूनिवर्सल सीरीज है,
या बेक पार्ट से आगे इसका मतलब और करेक्टर निकलेंगे, कम से कम करते हुए इसकी 10-12 एक आगे और मतलब फ्रेंचाइज टाइप है, मतलब एक पूरी सीरीज है, सीरीज है। हमारे दनियाल भाई सबसे पहले, उसके बाद एसएन भाई और ये हमारे अहमद भाई। अच्छा ये जो है ना इसका सीन, और ये जो भाई कैमरे के पीछे है इनका, बिलाल भाई का सीन ये है कि आगे थ्रू आउट चलेंगे, जो आगे 10 के 10 पार्ट आ रहे हैं इनमें चलेंगे इस मूवी में। मतलब हमने ऐसे ट्विस्ट छोड़े हैं जिनकी वजह से आप सोचने पे मजबूर होंगे कि मतलब आगे क्या होने वाला, मतलब इसको निकाल देंगे। इन भाई का सबसे ज्यादा शुक्रिया है, सबसे ज्यादा शुक्रिया इन भाई का जिन्होंने जगह दी है, हमें सेटअप प्रोवाइड किया और मतलब चाहिए थी। तो उन भाई स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट, इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे, हमें देखते रहेंगे। तो अभी का शूट हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से हम लोग जाने लगे हैं, बस गर्मी बहुत है, रोजा लग रहा है, धूप बहुत सख्त हुई है। बाकी हम 5-6 लड़के थे, बाकी आधे लड़के चले गए। भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये टाइम शेप निकाला हमारे लिए, और ये जो मूवी है ये आएगी भी इन्हीं के चैनल पे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डाउन चल रहा सिस्टम वो नहीं है। दोबारा जब ये चैनल बनाएंगे तो लिंक आपको उसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इनके चैनल को विजिट कर लेना। चलो चलो जी, आओ जी। आधे सीन्स वहाँ पे हो गए हैं, आधे सीन्स यहाँ पे हो रहे हैं। अभी वो मुखालफों से हाथ मिला लिया किसी ने मेरा छोटा सा सीन, तो मुझे भी याद है। धूप से थोड़ा छाऊ में आए हैं, शुक्र है रहा, गला सूख गया। आज इतना रोजा लगा ना, मुझे पूरे 30 नहीं लगा, आज 28 में। वैसे सही बात है, यही तक मुझे नहीं लगता कंप्लीट होगी, इसको नहीं बताना कह रहा कंप्लीट होगी। गाइस कोशिश तो कर रहे हैं, देखो लगे हैं, अभी भी लगे हैं, कभी स्कूल में पढ़ा नहीं, लगे स्क्रिप्ट पढ़ के कर रहे हैं। रमजान में रोजे में है, फुल बदमाश विलन हमारा। यार एक लास्ट सीन करने के लिए नई जगह भी आ गई, मतलब छोटा सीन करना होगा हमारे लो बजट के लो बजट प्लेस। यार रोजे में सारा हमने शूट कंप्लीट कर लिया है, शुक्र, इतनी भूख और प्यास लग रही थी कि हमारे दनियाल भाई बैठे हुए हैं। तो ये व्लॉग मैं कंप्लीट करके आज या कल डाल दूंगा। तो याद रखना ईद की सुबह नमाज के बाद तकरीबन 9 बजे या 9:30 बजे शॉर्ट फिल्म आएगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, और अगर ऑन किया तो ईद की शुरुआत हमारे साथ करना, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं इस शॉर्ट फिल्म में, तो अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। दनियाल भी बाय बाय कर दें, बाय बाय। अनाउंसमेंट भी कर दो छोटी सी भाई, यार ईद के पहले दिन सुबह 9 बजे आपके 10 मिनट लगेंगे हमारी इस सारी मेहनत को देखते हुए, ठीक है। तो आप सब ने इस चैनल पर आना है, बेल आइकन नीचे है उसको दबा लो, और खाली 10 मिनट है, आगे एंजॉय करें, अपनी भी सही गुजारे और हमारी भी। बाकी हमारे 2 घंटे आपके 10 मिनट, हमारे 2 घंटे आपके 10 मिनट है, और ईद पे बाकी सारा जो आपने टाइम कहीं और देना है उस पर थोड़ा सा निकाल के हमें दे दें, और 10 मिनट खाली आपके लगेंगे। तो एडवांस ईद मुबारक सब को। क्या करें गाइस, आर्मी परेड कराते।